बाबूजी, वो बड़े भाई साहब का फोन आया था, बोल रहे थे कि स्वप्निल लाया। ऐसी क्या बात हो गई, क्यों आएगा वो? उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है ना, तो आगे की पढ़ाई के लिए यहीं किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। अब हॉस्टल लौट होने में मेरे ख्याल से 2-3 महीने लगेंगे, तो तब तक हमारे साथ ही रहेगा। चाची जी, प्रणाम। तुम? अरे आप नहीं समझ रहे हो। अरे स्वप्निल बाहर सो रहा है। हो गया उसका तो नाम ना ले, पड़ गई ना हमारे बीच में दूरियां। आजकल के बच्चे तो एडवांस होते हैं, और तुम कहते हो कि गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी। चाची, अगर गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना तो मैं फौरन आपको बता दूंगा। ये क्या है? स्वप्निल भैया शायद बड़े हो गए। अरे सुन ना, मैं आ रहा हूँ, घर जाके कपड़े चेंज करता हूँ, तुम लोग वहाँ पहुँचो, मैं डायरेक्ट मिलूंगा वहाँ। आप भी ना मुझे काम भी नहीं करने देते हो। चाची, जुर्म सक